हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भागवत को आड़े हाथ लिया है। मोहन भागवत के हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने से पहले भागवत जी को खुद 10 बच्चे पैदा करके उनकी अच्छी परवरिश करके दिखाना चाहिए। एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा था कि दूसरे धर्म वाले जब इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो क्या आपको किसी कानून ने रोक रखा है? जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बयान पर एतराज जताते हुए कहा था कि बच्चे पैदा तो हो जाएंगे लेकिन रोटी कहां से आएगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो संघ कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आबादी का बढ़ना धर्म से संबंधित नहीं है या पूरी तरह से गरीबी से जुड़ा होता है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने भागवत के बयान का समर्थन किया तो वहीं बीजेपी की साथी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोहन भागवत के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा कि ये बयान हिंदू समाज को हजम नहीं होने वाला। एक तो देश की बढ़ती जनसंख्या और ऊपर से जनसंख्या बढ़ाओ जैसे बयान वाकई में समझते परे हैं, लेकिन ये तो बात साफ है कि मोहन भागवत के इस बयान ने राजनीतिक पार्टियों को आरएसएस के साथ साथ बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।